दोस्तों नमस्कार, desiilaaz.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक सच का पता करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि ट्रीटमेंट शामिल है शुगर का यानी डायबिटीज़ का। कुछ दिनों से एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें भिंडी द्वारा शुगर के इलाज को बताया गया है। हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें ये वादा किया गया है कि करीब 15-16 दिन तक अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए इस उपाय का तो शुगर ख़त्म हो जाती है। हमने शुगर टेस्ट कराई, ये एक रिपोर्ट है शुगर की, मेरी रिपोर्ट है। इस पर आप देखेंगे शुगर बढ़ी हुई है, ये इंक्रीज्ड रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ सामान लेते हैं जिसमें एक प्लेट, एक चाकू और भिंडी। दोस्तों भिंडी अलग अलग साइज़ की होती है, ये बड़ी भिंडी है और मार्केट में छोटी भिंडी भी आती हैं। अगर बड़ी भिंडी है तो हमको दो भिंडी लेनी है, और अगर बड़ी भिंडी नहीं मिल रही है, छोटी भिंडी मिल रही है, तो हमको तीन भिंडियाँ लेनी है, ठीक है। करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हम तीन भिंडी हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी भिंडी है, हम कोशिश करेंगे कि बड़ी भिंडी ही इस्तेमाल करें। हमें बड़ी भिंडी लेकर उसकी ऊपर से उसका हेड यहाँ से काट देना है और नीचे से उसकी टेल ये भी काट देनी है, और इसमें एक चीरा लगाना है, ऊपर के हिस्से को छोड़ देना है। और ये आप देखिए ये चीरा हम लगाएंगे इसमें, और ये चीरा इसका यहाँ तक लगाएंगे। ये बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा खोल देना है या फैला देना है जिससे कि इसका अंदर का जो रस है उसकी हमें आवश्यकता है। हम दूसरी भिंडी को भी हम ऐसे कर लेंगे, ये हम नीचे से काट लेंगे। भिंडी में दोस्तों एक लसलसापन होता है जिसको आपने ध्यान दिया होगा, ये चिपचिपाती है बेसिकली। तो जो इसका वो एजेंट है चिपचिपाने वाला, हमारा सारा पर्पस उसी से शुगर का उसी से सॉल्व होना है। कहते हैं ये जो नुस्खा है ये किसी बड़े संत द्वारा किसी को बताया हुआ है, तो लेट अस ट्राई, एक बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं। हमने इसको बीच में से हल्का सा चीर दिया है। हम एक गिलास लेंगे और इसको हम पानी से भर लेंगे, और इसमें दोनों भिंडियां हम डाल के छोड़ देंगे। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमें शाम को करीब 5 बजे के आसपास ये भिंडियां काट के और इसमें भिगो के रखनी है, और अगले दिन रात भर भीगी रहेंगी ये। अगले दिन जब हम ब्रेकफास्ट कर लें मॉर्निंग में उठ के, उसके आधे घंटे बाद हमें इस भिंडियों को इसमें से निकालना है। कैसे निकालना है, किस तरीके से इनको निचोड़ना, इनका रस बाहर निकालना है, वो मैं आपको कल दोपहर या जिस समय मैं ये काम करूँगा इसे निकालूँगा, इसका रस मैं फिर से वीडियो शूट करूँगा इसी के साथ इसी कंटिन्यूशन में, तब आपको शो करूँगा। दोस्तों ये हमने आपके सामने इस चीज़ को भिगो के छोड़ा था, आज हम इसको एक दिन हो गया है, इसको हम निचोड़ेंगे। इसके लिए हम ले लेते हैं एक कटोरी, एक प्लेट और एक चम्मच। इसमें हम
बेसिकली दोनों भिंडियाँ बाहर निकाल लेते हैं, गिलास से पानी छोड़ देते हैं। इस भिंडी को हम हल्का हल्का निचोड़ के इसमें आप देखेंगे हल्का सा लसलसापन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये इसका लसलसापन हम बाहर निकाल लेंगे भिंडी का। और भिंडी को बाहर छोड़ देंगे, दूसरी भिंडी से भी यही स्थिति करेंगे। देखिए इसका जो भी लसलसापन है ये हम बाहर निकाल देंगे, आपको दिखाई पड़ रही होगी धारी। तो सर ये जो पदार्थ है इसी का क्लेम किया गया है कि ये एज अ ग्लू काम करता है, जो हमारी शुगर रिस्ती है उसको जोड़ने में यही काम करता है। इसके बाद इस पानी में जो भी सीड्स आ गए हैं उन सीड्स को हम इसमें से हटा देंगे। देखिए ये सीड्स को हम हटा देंगे, इसमें भी एक सीड है ये भी हम हटा देंगे, इसको हम वापस गिलास में डाल देंगे। और ये जो हमारा लेडी फिंगर का एक्सट्रैक्टेड पानी है हम इसको पी जाएंगे। ये प्रोसेस हमने 15-16 दिन तक करनी है, मैं इसको 15-16 दिन तक करूँगा, बीच बीच में एक दो बार शूट भी करता रहूँगा। 15-16 दिन की प्रोसेस पूरी करने के बाद फिर मैं शुगर टेस्ट कराऊँगा और उस शुगर की रिपोर्ट आपको इसके साथ ही दिखाऊँगा। थैंक यू। दोस्तों इस प्रयोग को हम शुरू कर रहे हैं 16 दिनों के लिए। हम 16 दिनों तक बीच में गैप एक आध दिन का करके और हम इस प्रयोग को करते रहेंगे। हमने इस प्रयोग को 4 दिन बाद हमने 2 दिन का गैप किया है, उसके बाद करीब 8 दिन बाद या 9 दिन बाद हमने 1 दिन का गैप किया है। इस तरह से बीच बीच में गैप करते हुए जैसा कि वीडियो में क्लेम किया गया था ऑडियो में उसी हिसाब से हमने इस प्रयोग को किया है। और 16 दिन के निरंतर प्रयोग के बाद अब हम ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए देंगे और इसमें जो भी रिपोर्ट आती है फास्टिंग और पीपी की वो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फाइनल रिपोर्ट्स आ गई हैं दोस्तों। जो फास्टिंग है इसमें रिपोर्ट में 149.8 मिलीग्राम रिपोर्ट आई है जो कि काफ़ी हायर साइड पे है। इसके बाद जो पीपी की रिपोर्ट शो करती है 282.9 मिलीग्राम। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया या एक्सपीरियंस किया इस पूरे प्रोजेक्ट पे वो सारा का सारा झूठा है। हमने इस पे 16 दिन मेहनत की और हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो भी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ये भिंडी के पानी के द्वारा बताया गया है ये पूर्णतः गलत है, अविश्वसनीय है, झूठा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे, कोई दूसरा इलाज देखेंगे। और इसी तरीके के और देसी इलाज वाले वीडियो देखने के लिए हमारे आप चैनल पर विज़िट करते रहिए desiilaaz.com। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें
और थोड़ा सा हमको सहयोग करिए, हमको बूस्टअप करिए, जिससे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट हो, जिस विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हो, आप उसको हमको लिख के भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स पे, जिससे कि हम आपको उसके लिए वीडियो बना के भेज सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।